नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुर्दे की बीमारियों के बारे में। गुर्दा हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारे शरीर में एक तरह से छलनी का काम करता है, जो कि हमारे शरीर से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो अनावश्यक तत्व हैं, वो सारे शरीर से मूत्र के राही, यूरिन के राही वो बाहर निकालते हैं। इसके अलावा जो गुर्दों का कुछ और बहुत महत्वपूर्ण काम है, जैसे खून बढ़ाना, हड्डियों की कमजोरी को दूर करना और हड्डियों को मजबूत रखना। जो गुर्दे की बीमारियां हैं, ये ज़्यादातर उन लोगों में पाई जाती हैं जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर, जो पेन किलर्स या स्मोकिंग करते हैं, या जो कुछ मोटापे से परेशान हैं। जो भी लोग 50 साल की उम्र से ज़्यादा, जिनको शुगर, बीपी, अगर वो स्मोकिंग करते हैं, तो उनको किडनी का रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। इसको हम अपने प्रिवेंशन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने शुगर को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें और पेन किलर टैबलेट्स लेके ना खाएं। गुर्दे की बीमारियों का बहुत आसानी से चेकअप हो सकता है। सिंपल दो टेस्ट रहते हैं, एक अपना यूरिन में एल्ब्यूमिन चेक करना और एक सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट करके हम लोग ये बीमारियों को पता कर सकते हैं। इसको दूर करने के लिए हमें शुगर, बीपी का और पेन किलर्स का यही हमें ध्यान रखना चाहिए। जो भी लोग 50 साल से उम्र के से ज़्यादा हैं, जिनमें जिनके परिवार में शुगर बीपी है, अगर उनको कोई बीमारी नहीं भी है, तो भी अपना उनको रेगुलर चेकअप ये दो सिंपल टेस्ट के राही करवाना चाहिए। इस साल जो गुर्दा दिवस है, वो ये है कि ये जो इसका थीम है, हर किसी को गुर्दे की बीमारियों के बारे में अवेयरनेस करवाना और जो भी लोगों के बीच में नॉलेज में गैप है, उनको फिल करना या उनको समझाना। अगर गुर्दे बिल्कुल फेल हो जाते हैं, तो उनको ट्रांसप्लांट या डायलिसिस भी करना पड़ता है। तो हमें, और वो जो ट्रांसप्लांट और डायलिसिस है, बहुत महंगा होता है। तो हमें पहले ही गुर्दा खराब होने से पहले डॉक्टर के साथ मिलके ये सिंपल टेस्ट करा के हमें सही समय पे गुर्दे की बीमारियों के बारे में मालूम कर लेना चाहिए। जो गुर्दे की बीमारियां हैं, ये विश्व में कैंसर और हार्ट डिजीज की तरह, एक तरह से ये महामारी की तरफ से हर जगह फैल रही हैं। थैंक यू।